आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है बिंदु पी एक्स वाई जेड की एक्स वाई समतल से लंबवत दूरी है ना, तो रिक्त स्थान में हमें बिंदु पी की एक्स वाई समतल से दूरी लिखनी है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि अपने पास किसी बिंदु पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड की समतल एक्स वाई से जो दूरी होती है ना, एक्स वाई समतल से जो दूरी होती है ना, वो क्या होती है, वो अपने पास मापांक जेड के बराबर होती है ना। ऐसे हमारे पास एक्स वाई वाई जेड तल से जो दूरी होती है वो अपने पास मापांक एक्स के बराबर होती है, और जो एक्स जेड तल की जो दूरी है वो अपने पास मापांक वाई के बराबर होती है ना। तो देखिए दोस्तों, ये सब हम जानते हैं, लेकिन यदि दोस्तों वैसे निकालना चाहे तो मान लीजिए अपने पास ये तीन एक्सज, तो मान लीजिए दोस्तों ये अपने पास x एक्सिस है, ये अपने पास y एक्सिस है और ये अपने पास z एक्सिस है ना। अब तो हमारे पास मान लीजिए दोस्तों ये अपने पास कोई बिंदु है p x कोमा y कोमा z है ना, कि हमें x y समतल से जो ये हमारे पास समतल है उससे अपने पास लंबवत दूरी ज्ञात करनी है ना। तो मान लीजिए अपने पास जो लंबवत बिंदु आएगा वो अपने पास कोई ये वाला बिंदु है ना, तो देखिए मतलब कि हमारे पास जो ये बिंदु है P वो अपने पास एक्स वाई समतल के जो लंब डालेंगे वो तो इस बिंदु पर मिलता है ना। तो देखिए दोस्तों, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे अपने पास, अब देखिए चूंकि अपने पास जो एक्स वाई चूंकि अपने पास ये अपने पास एक्स वाई समतल है, अतः यहाँ अपने पास जेड के निर्देशांक अपने पास जीरो आएगा, और जो यहाँ अपने पास एक्स का चूंकि ये अपने पास एक्स वाई समतल है, अतः हमारे पास जेड निर्देशांक जीरो आएगा, और एक्स निर्देशांक आएगा, एक्स निर्देशांक अपने पास जो यहाँ अपने पास एक्स निर्देशांक था, और वाई निर्देशांक आएगा जो अपने पास यहाँ वाई निर्देशांक था, ताकि अपने पास ये अपने पास लंबवत बिंदु मिले, लंबवत बिंदु पर लंबवत होने के लिए अपने पास एक्स निर्देशांक सेम रहेगा, वाई निर्देशांक सेम रहेगा और जेड निर्देशांक अपने पास जीरो रहेगा ना। अब देखिए दोस्तों, हम जानते कि अपने पास दो बिंदुओं के दूरी बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अपने पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z2 z1 का होल स्क्वायर ना, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, आ जाएगा अपने पास d बराबर अपने पास, देखिए बिंदु क्या है, p है x y z और q, इसको मैं q मान लेता हूं, तो q अपने पास x y कोमा 0 था ना। तो देखिए ये आ जाएगा अपने पास x माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा अपने पास y माइनस y का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा अपने पास z माइनस 0 का होल स्क्वायर ना, z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, आ जाएगा अपने पास d बराबर मापांक z ना, z का स्क्वायर बचेगा तो z का स्क्वायर का रूट लूंगा तो मापांक z ना, तो यहाँ से अपने पास d बराबर मापांक z आ जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक्स वाई जेड के समतल की एक्स वाई समतल से लंबवत दूरी आ गई मापांक z। धन्यवाद दोस्तों, आंसर हो गया। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।